हेलो गाइस आज की इस चैलेंज में हम लोग लूट करेंगे नेदर के बेसिन पे तो हमें एक चेस्ट मिला है जिसके अंदर कुछ सामान है और साथ ही साथ एक एंकर जो कि रेस्पॉन्स पॉइंट सेट करने के लिए तो बिना वक्त गवाए चलते हैं नीचे और हाँ यहाँ पे आप लोगों के लिए टारगेट है कि 200 सब्सक्राइबर कर दें तो बिना वक्त वाये चलते हैं अपने चैलेंज को कम्प्लीट करने तो हम सबसे पहले इस बैसिन को थोड़ा ओवर देख लेते हैं और फिर बिखेरते हैं अपना जलवा तो सबसे पहले आसपास देखते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे गिर जाता हूँ नीचे देखने के चक्कर में और फिर सामने ही मुझे मिल जाता है ये पिग लेंग ब्रूट तो फिर मैंने फटाफट डिस्पोन लिया और निकल पड़ा अपने नेक्स्ट मीन्स अपने हथियारों को लूटने नहीं तो फिर डी एस हो जाएंगे या फिर उसे पेगलिंग लूट ले जाएंगे तो सबसे पहले चलते हैं फटाफट नीचे और पता नहीं यार इसको बनाने वाला मिस्त्री कौन सा था गड्ढे गड्ढे छोड़ रखे हैं खैर आप लोगों को अगर उस मिस्त्री का नंबर पता हो तो मुझे बता देना ताले को घर में घुस के मारूंगा इतने गड्ढे छोड़ने की क्या ज़रूरत थी फिर मैं जैसे तैसे नीचे पहुंचा और मेरी स्वाड ही मिल गई लेकिन मेरी बात किस्मत थी ताले ग्रुप बना कर आए थे और मैं इन हॉगलिंग्स के मरने के बाद मैं फिर से चला अपने सामानों को लूटने जो कि मेरे लिए सबसे क्या कहूँ मेरे लिए एकदम चैलेंज बन चुका था मतलब मैं अपना पूरा गोल भुला चुका था कि मेरा गोल कौन सा है फिर ऐसे ही मैं गिर गिरते पटकते नीचे जा रहा था कि मुझे एक हॉगलिंग ने देख लिया और मैंने इस हाथ से ही माना चाहा लेकिन वहीं मारा गया क्या करूँ किस्मत ही खराब है मैं इतना प्रो जो नहीं ठहरा लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और वापस चला गया इनको मारने और इसी बीच मैं अपने सामानों को लेने ले जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे दिखा एक चेस्ट जिसको मैंने लूटने की तो कोशिश की लेकिन एक माले से नीचे आ गया सच्ची में इस बिल्डर को मैं छोड़ूंगा नहीं और इसी चक्कर में फिर से हॉगलिंग से ही मारा गया मतलब मेरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो हॉगलिंग ही थे फिर से मेरा एंकर पॉइंट जो था वो ख़त्म हो गया था और मैं उसे ऐसे ही तोड़ रहा था कि ये क्या मुझे एक सीक्रेट चेस्ट मिला उसके अंदर क्या था ग्लो स्टोन तो इन मैंने उसे फटाफट निकाला और अपने एंकर में रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लिया और फिर बाकी के बच्चे को चेस्ट में रख दिया और इस पर मैंने ऑफ कैमरे ही अपना सारा सामान ले लिया और फिर निकल पड़ा उस चेस्ट को लूटने जिसको भी मैं बच गया लेकिन तभी मुझ पर एक फीलिंग ने हमला किया पर मैं भी फिलहाल तो प्रो बन ही गया था कहो ये मानो या ना मानो इससे आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि मैं इसमें मरा नहीं आप देख सकते हैं मतलब आप तो जनता हैं जनता तीसरी नज़र होती है मतलब मीडिया होता है फोर्थ पिलर लेकिन आप लोग तीसरी नज़र हैं मैंने उन सबको मारा और यहाँ पे ये क्या मुझे गोल्ड ब्लॉक मिल गए मतलब कि गजब मैं इसे आर्मर तो बना सकता था लेकिन मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल था नहीं तो मैंने उसे फिलहाल ऐसे ही रहने दिया और उसे लुट कर थोड़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ते ही मुझे पिगलिंग से मिला क्रॉस वो मैंने उसे रिलोड कर कर एक पिग हॉगलिंग को मारना चाहा पर मैंने सोचा मैं तो ये सोवर्ट से भी कर सकता हूँ मेरे पास तीर की शॉर्टेज है तो मैं चलता चलते उसके पास लेकिन जैसे मैं पास गया मेरे पास एक आया पिगलिंग तो मैंने इसे पटावट मार डाला और फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मेरे हार्ट थोड़ा कम थे तो मैंने खाना खाने का सोचा लेकिन मेरे जो फूड बार थे वो बुलबुल भरा हुआ था और आगे ही मुझे मिल गया एक और चेस्ट तो फिर मैंने क्या एक पिगलिंग ने हमला किया मैंने उसे मार दिया आप देख दो तो मैं कहता यार मैं हाफ हार्ट पे बचा था मतलब एक हार्ट पे देखने में थोड़ी कमजोरी हुई है ओ माई गॉड मुझे कि और गोल्डन एप्पल मिल गया मतलब कि क्या कहें मतलब मैं इसे अगर पूरा लूट लू तो मैं इसका राजा बन जाऊंगा और गाइस थोड़ा आगे देखने पर पता चला वहाँ चेस्ट है तो चलिए वहाँ फटाफट चलते हैं उसके लिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पे ब्रिजिंग तो ब्रिजिंग करने के बाद मैं उस सामने वाला एलेवन पहुंचा लेकिन उससे पहले थोड़े ग्लो स्टोन पाउडर इकट्ठे कर लिया क्योंकि रेस्पॉन्स पॉइंट सेट करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है तो मैंने थोड़े ग्लो स्टोन इकट्ठे किया और चल पड़ा उस चेस्ट के सामने और ये क्या ये मुझे नहीं मार रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका नाम रखेंगे हम महेश महेश बेनी बाप तो फिर मैं थोड़ा सा पार्क करके थोड़ा आगे बढ़ा मैं गिरने वाला दलील बच गया और यहाँ पे थोड़ा चेस्ट खोला तो इसमें मुझे गोल्डन कैरेट और फिर एक आयरन एंगट मिल गया और कुछ खाने को भी मिल गए साथ ही साथ स्ट्रिंग भी थे तो मैंने सबको रख लिया और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे यहाँ पर एक रास्ता दिखा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मुझे एक और चेस्ट मिल गया जिसके अंदर थी शार्पनेस फर्स्ट की सोवड मतलब गजब और फिर मैंने घर पर आकर ग्लोव स्टोन बनाए और फिर सारे सामानों को चेस्ट में असेंबल करने लगा और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और अगले चेस्ट या फिर यूँ कह लो पिल्लिंग के गोल्ड रूम की तलाश में तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा फुक फुक कर कदम रखना पड़ रहा था पर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा मुझे मिल गया एक और चेस्ट तो फिर मैंने उस चेस्ट के आसपास देखा कोई पेगलिंग वगैरह तो नहीं है जो कि मुझे डिस्टर्ब करेंगे इस चेस्ट पर लूटने में तो मुझे इसके अंदर मिल गया क्राइंग ऑफ सीडियन और फिर एक गोल्ड ब्लॉक तो मैंने सारे सामानों को रख लिया वैसे तीर उ थे तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाना ठीक नहीं समझा मतलब कि ये तो नल हैं तो फिर मैं उसे लूट कर आगे बढ़ा तो मुझे एक और चेस्ट मिल गया जिसको भी मैंने लूटा उसके अंदर मुझे दो दो शार्पनेस और अनब्रेकिंग की तलवारें मिल गई मतलब क्या और इसके अंदर खाना भी मिल रहा था साथ ही साथ तो मैंने इन सबको लूटा और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ी तो मैं माइनिंग कर ही रहा था कि थोड़ी देर के लिए मैंने रिकॉर्डर ऑफ़ किया और फिर कुछ खुले जगह पर आकर मैंने माइनिंग दोबारा से चालू की और गाइस यहाँ पर एक खुला आसमान मिल चुका है जिसमें मैं, मैं जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मुझे चेस्ट मिल गया और इसके अंदर गोल्डन है कैरेट्स भाई क्या गज्ज मतलब इन पिगलिंग का तो कुछ कहना ही नहीं है अगले चेस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा कर रखते हैं एक जगह नहीं रख सकते ताकि आपको लूटने में आसानी हो एक दिन पकड़ पकड़ कर सबको मारवाए ओके okay गाइस मुझे गोल्ड रूम तो नहीं मिला आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए